सो गाइस, फाइनली बीटीएस मेंबर्स का जो कॉन्सर्ट है ना, वो इंडिया में भी होगा। यस, आपने बिल्कुल सही सुना है। तो कैसे होगा, कहाँ देख सकते हो, ये सभी चीजें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कर लीजिए एंड बेल का आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करते तो वो सबसे पहले आपके पास ही पहुंचे। आप हमें इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, सो गाइस, मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया था एंड जिसमें मैंने आपको बताया कि इंडिया का नाम मेंशन नहीं किया गया है बीटीएस के कॉन्सर्ट लिस्ट में, एंड जिसके बाद जो इंडियन आर्मी थे ना, बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए थे। वेल गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये ना फर्स्ट टाइम है जब इंडिया में बीटीएस मेंबर्स का कॉन्सर्ट लाइव होने वाला है। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, लाइव स्क्रीनिंग होने वाली है। ओके, एंड कौन कौन से स्टेट में ये लाइव स्क्रीनिंग होगी, ये जान के आप और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाओगे। सो एज वी ऑल नो कि जो बीटीएस मेंबर्स का कॉन्सर्ट है ना, इट्स हैपनिंग इन ओलंपिक स्टेडियम जो कि साउथ कोरिया सोल में है। एंड जो लिस्ट निकाला गया था ना, तो दुनिया भर के कई ऐसे देश हैं जहाँ पे इस कॉन्सर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग होने वाली थी। एंड यस, नाउ वी शुड फील प्राउड क्योंकि उस लिस्ट में इंडिया भी है। गाइस, मैं आपको बता दूं कि जो परमिशन टू डांस है ना, ये ऑन स्टेज 3 दिनों के लिए होगा सोल में। फर्स्ट शो जो है वो 10 मार्च को होने वाला था 6 बजे KST टाइम के अकॉर्डिंग, जो कि हो गया है। एंड सेकेंड जो शो है वो 12 मार्च को होने वाला है। वेल, अब हम बात कर लेते हैं कि इंडिया में ना फर्स्ट टाइम बीटीएस के कॉन्सर्ट को इंडियन बीटीएस आर्मीज लाइव देख सकती है। तो इंडियन बीटीएस आर्मीज के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एंड गाइज, जिन इंडियन आर्मीज ने ना टिकट परचेज कर लिया है, उन्होंने अपने एक्साइटमेंट को सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाया है कि वो कितनी ज्यादा हैप्पी है। ओके, सो ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से उन्होंने अपनी खुशी को दिखाया है। PVR एंड सिनेमा घरों में जो ऑडियंस है, उनके लिए कुछ नियम कानून बनाए गए हैं COVID-19 की वजह से, जिनका उनको पालन करना होगा। जो भी ऑडियंस, जो भी आर्मीज जाने वाले है ना PVR एंड सिनेमा घर, एंड ऑब्वियसली ये जो लाइव स्क्रीनिंग इवेंट है ना, ये कोरियन लैंग्वेज में ही होगी। एंड जो इंडियन आर्मीज है, उनके दिलों में अभी इतना ज्यादा एक्साइटमेंट है कि वो किसी भी मुसीबतों का सामना कर सकती है एंड वो PVR पहुंच सकती है। वेल गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये कौन कौन से स्टेट में होगा। सो ये दिल्ली में होगा। ओके, नोएडा, गाजियाबाद, PVR एम्बिशंस गुड़गांव, ओके, PVR सिटी सेंटर गुड़गांव, इन सब जगह होगा। एंड इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेट को शामिल किया गया है जो कि 12 मार्च को होने वाला है। ओके, ये 3 घंटे 15 मिनट का कॉन्सर्ट होगा। एंड यस, ये जो टिकट का प्राइस है ना, इसको अपडेट नहीं किया गया है। वेल, आई थिंक ये 500 से स्टार्ट है एंड 1600 तक का है ना, तो ये होगी प्राइसिंग। एंड जब भी आप अपनी टिकट को बुक करने के लिए जाओगे, तो वहाँ पे आपके टिकट के प्राइसिंग को दिखा दिया जाएगा। एंड ऑब्वियसली ये जो टिकट प्राइसिंग है, ये डिपेंड्स ऑन द सिनेमा पे ही होगी। सो या वेल गाइस, आपको ये वीडियो देख के कैसा लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।